को नहीं वापस मिलता, रिलीफ कहाँ से मिलेगा? कैसे, आपने कोई अपना लगाया था? यार मैंने उस बारे में, ये भी अपने पैसे भी बेचारे बस जाया करके चले जाएंगे। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको जैसे पता है लोकल जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हमारे मुल्क में, किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोकल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो हैं, मुझे पता है उसमें क्या गवर्नमेंट, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या हमारे वो लोकल इन्वेस्टमेंट को रिलीफ देती है इस चीज़ को? मुझे नहीं लगता कि देती है इसको। और अगर देखा जाए कि यार इस चीज़ों को भी ज़रा थोड़ा फोकस करना चाहिए कि लोकल जो है इन्वेस्टमेंट, जो आप हमारी की बात कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यार इस पर तो वैसे काम करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, कोई लोकल कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यार, लोकल जो इन्वेस्टर है ना, जी जी, तो होते हैं मल्टी इंटरनेशनल, कोई भी लोकल इन्वेस्टर जी, ऐसा होना चाहिए, होनी चाहिए यहाँ पे भी हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल देना चाहिए गवर्नमेंट को रिलीफ, के देखे ना कि यार हर कोई अपने मकसद के लिए आया हुआ, हर किसी ने अपने एक रोज़ी वगैरह कमानी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर हैं बेशक वो लोकल छोटे हैं उनको दे दें, जो बड़े बड़े इतने इन्वेस्टर हैं उनको इतना रिलीफ ना दें बेशक, जो आपको पता है कि जो जाहिर बात है उनको इतना रिलीफ की याद हो रहा है जिनका इतना बड़ा जो है सेटअप हो और इतना बड़ा जो है उनका कारोबार हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि होनी चाहिए रिलीफ। ठीक है, जैसे कि हमारे जो अमजाया मुल्क है उनका एक नाडिया ग्रुप का तो पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आज उसमें आपसे बात करने हैं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है प्राइम जो मोदी है, उन्होंने नाडिया ग्रुप को एक 50,000 जो है ना 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, इस पर कैसे देख रहे हैं आप कि हमारे जो मुल्क में हमारी जो गवर्नमेंट वो देती नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया उनको? यार बिल्कुल, ये तो बड़े जो है वो फ़ख्र की बात है, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ जो है तो प्रोजेक्ट पे जो है वो दिया है काम करने पे। और देखा जाए कि यार जो गौतम अडानी है वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो मोदी सरकार ने भी कोई उनके ट्रस्ट किया है तो उनको दिया ना, कोई तो उसके पीछे बैकग्राउंड कोई सीन होगा। तो यार देखो वहाँ पे आए दिन ये सिस्टम चलते रहते हैं, ठीक है, कि अगर मोदी सरकार वो किसी को रिलीफ दे रहा है अपने जो है वो आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रहा है, तो ये सब कुछ देखा जा रहा है और नज़र आ रहा है सबको, पूरी दुनिया के सामने है। तो बात की जाए कि यार हमारे यहाँ पे हमारे कोई इतने बड़े इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और फिर इन्वेस्टर को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है और गवर्नमेंट को इन्वेस्टर पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हर किसी को बस अपनी पड़ी हुई है कि हम किसी तरह आगे निकल जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस चीज़ पे कैसे उनके अचीवमेंट देख रहे हैं कि आप इंडिया ग्रोथ पे ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ पे ग्रोथ करके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा दे दिया है नाडिया ग्रुप में, आप मुझे बताएं वो इस टाइम की तरह हम कितना है इस टाइम? यार हम तो मेरे ख्याल से 10% पे हैं, उनको देखा जाए इंडिया तो एक किस्म का 100% जा रहा है, तो हम तो यार बहुत पीछे हैं इंडिया से फिलहाल। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि हम और नीचे तक जाते रहे, जा ही जा रहे हैं नीचे। तो मुझे जो लग रहा है वो इंडिया आने वाले वक्त में, जो मैंने सुना है 2030-35 तक, तो मुझे लग रहा है कि वो सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि उसने यूके को बीट किया लास्ट टाइम, फिर अब चाइना को बीट करने जी चाइना को बीट करने जा रहा है, तो खुद ही ये सब कुछ आपके सामने है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम। आप क्या करते हैं? सेम काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो ये है कि जो हमारी लोकल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको हमारी जो गवर्नमेंट है को उनको रिलीफ देती है इस चीज़ पर? भाई इधर रिलीफ की क्या बात है, इधर जो अपना लगाया वो नहीं वापस मिलता, रिलीफ कहाँ से मिलेगा? कैसे, आपने कोई अपना लगाया था? यार मैंने उस बंदे को देखा है, इधर फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ के लोग फ्रॉड करते हैं, और बाद में हम जब उनसे पैसे मांगते हैं अदालतों कचहरियों में, वो पैसे लगा के खुद बाहर बैठे होते हैं, और हम उधर के उधर ही जलील होते हैं, जिनका हक होता है वो उनको मिलता ही नहीं वापस। नहीं, आपने कोई अपना काम किया था? आपने जो प्रिंटिंग का कोई अपना काम किया था? जो आप प्रिंटिंग प्रेस का तो मेरे अबू करते थे, जी जी। तो मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया उनकी डेथ के बाद, फिर उसके बाद मेरे काम के अंदर थोड़ा कमी चल रही थी, अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा था, मैंने फिर उसके साथ बाइक के फिल्टर नहीं होते उसका काम स्टार्ट कर लिया। बस वो एक बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट की, हालांकि एजेंट बंदा आया था, उसकी रिक्वेस्ट की, और एक टाइम ऐसा है कि अच्छा प्रॉफिट होने से मेरे पैसे सारे रख लिए, कुछ 4-5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, उसने मेरे पैसे सारे अपने पास रख लिए, और जब मैं
कोर्ट कचहरी में अब मेरा मामला चल रहा है, अभी वो कुछ नहीं, वो कहता है भाई दे ले सकते हो तो ले लो, मैं कोई पैसा वूसा नहीं दे रहा। तो इधर के तो हालात ही नहीं ठीक, हम क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा मसाया मुल्क है उनके जो है अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, गौतम नाडिया उनका नाम है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। उनकी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, उन्होंने उनके 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया उन पर, उनका आपने इस पर काम करना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? यार इधर हो तो हम देखें ना, इधर हमारे साथ क्यों हो रहा है, वो तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो तो फ़ायदा उनका हो रहा है, हमारा कौन सा हो रहा है, हमारे अपने नहीं मिल रहे। मकसद कहने का है आपको बताने का, ये मकसद है कि देखें वो इतनी अचीवमेंट्स कर रहा है और इन्होंने ये अपनी आवाम को, गवर्नमेंट पर यकीन है, गवर्नमेंट को आवाम पर यकीन है, यहाँ पर क्यों नहीं ये काम हो रहा? यार मेन टॉपिक ये है, जब तक यहाँ का सिस्टम नहीं ठीक होना ना, जो मर्जी हो जाए इधर कुछ भी नहीं हो सकता, ना इंसान तरक्की कर सकता है। अगर इधर इसका सिस्टम ठीक हो जाए तो यहाँ के आवाम नौजवान बाहर ना जाए कमाई करने के लिए, वो यहीं पे कमाई करे। अच्छा उनकी जो जिस तरह उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे बिलीव किया और आवाम ने उन पर बिलीव किया, इस उनके उन्हें किस तरह देख रहे हैं आप? वो आगे से रिस्पॉन्स भी तो अच्छा दे रहे हैं ना, इधर हम गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, हमें कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? अगर हमारा हक ही नहीं हमें बाहर वापस मिल रहा तो हम गवर्नमेंट पर किस तरह यकीन कर रहे हैं? उनकी गवर्नमेंट कैसे जा रही है इस टाइम? तो उनकी तो गवर्नमेंट बेहतर है ना, कि वो आवाम का आगे से एहसास कर रही है और सारे मामला कर रही है, उनके साथ चल रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जो इन जो पाकिस्तानी है जो गवर्नमेंट को रिलीफ देती है इस चीज़ का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं ज़रा सा भी नहीं, इन्होंने क्या देना है, ना इनके पास खुद कुछ है ना इन्होंने देना है, ये बेचारे जो बैठे हुए हैं ये भी अपने पैसे भी बेचारे बस जाया करके चले जाएंगे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना इनको। ठीक है। हाँ। अच्छा मैं आपको, जैसे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उनकी एक नादे गौतम नादिया जिनकी नादन ग्रुप है, उन्हें जो एक प्रोजेक्ट दिया उनकी गवर्नमेंट ने 50 करोड़ के लगभग जो उनको जो है ना प्रोजेक्ट किया, एक गाँव के अंदर प्रोजेक्ट 2002 में जो वहाँ की आवाम थी गाँव की, उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करना है, उनकी गवर्नमेंट दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा काम है, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसा कुछ रिलीफ देना, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं रिलीफ देना। नहीं वो रिलीफ देखें, मैं मकसद कहने का उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम का कितना एहसास है और उनके अपने जितने भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनका ख्याल रखते हैं, हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही, वो किस तरह दूसरों को क्या इसमें क्या कहेंगे, इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है बहुत अच्छी बात है, देखें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर उन्होंने इतना कुछ किया है अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे तो कुछ भी नहीं है ना, इन्होंने कुछ देना है, ये तो खुद का हाल इनका ये है, बस अपने खाने पे हैं, अपने खाने के लिए ठीक है, गवर्नमेंट के लिए या आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है, मुझे बताएं क्या जो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी आवाम को भी देख रहे हैं मौजूदा हालात में, इस टाइम अपनी आवाम पर बहुत फोकस कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो करना ही करना, देखें ना उनको एहसास है, हमारे एहसास नहीं, अभी देख लें सैलाब पे सारा कुछ ले लिया, हमसे भी पैसे ले लिए, आगे कुछ भी नहीं किया, आगे डिलीवर नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना ही होना है वो होना भी नहीं है, वो अपनी पॉकेट में जाएगा। आपका कहने का मकसद है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे डिलीवर नहीं करती, किसी नहीं करती, ये शुरू से ही ऐसे है, ये बस एक ड्रामा बनाया हुआ है बाहर से जो है ना वो लेने का, सदका लेने चला जाए, इमदाद लेने, बस इमदाद लेने चले जाना है, बस वो लेके वो अपनी पॉकेट में, बेचारे वो अपने आप मदद आप हैं, अभी देखा नहीं वो मकान भी खुद बना रहे हैं बेचारे अपने, सारा कुछ खुद है, अपनी मदद आप, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं किया उनका, कोई उन्हें जो रिलीफ दे दिया ना, वो भी गांव ऐसे ही कोई मसला बना था जिसकी वजह से उनका जो गांव तो जो है ना वो मसला है, गांव तबाह तबूह हो गया था, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीफ देने के लिए उनकी जो ग्रुप है उसको इन्वेस्टमेंट दिया कि आप यहां पे जो है ना काम आपने करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। आप देखें इतनी बड़ी अचीवमेंट, हमारे मुल्क में कब ऐसा कोई काम होगा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट को, लोकल जो इन्वेस्टर हैं उनको भी ये टाइम मिलेगा कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इस तरह रिलीफ देगी और ऐसे प्रोजेक्ट देगी? गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ नहीं मिलना, ये अपनी मदद आपके तहत है, जैसे एक वो गांव नहीं है रसूलपुरा आपने देखा है, ऐसा कोई नाम है, वो खुद ही सारे जो है ना वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो अपने पैसों से सारा उन्होंने गांव बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सफाई इतनी है, पता नहीं रसूलपुरा कोई ऐसा नाम है उसका, अपनी हाँ अपनी मदद आपके तहत ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं देना हुकूमत ने। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये देना चाहिए कि जो है हुक्मरान इनको अपना कुछ छोड़ के हमारा सोचना चाहिए कि हमारा सिर्फ खून ही चूसना है, बस ये बात है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके।